बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों अपने नासिक यात्रा को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं। दरअसल अक्षय कुमार लॉकडाउन के बीच में हेलीकॉप्टर से नासिक गए थे, जिसके बाद से सोशल मीडिया अक्षय कुमार की ट्रिप की चर्चा हो रही है। यहां तक कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने तो कह दिया है कि वो एक्टर के नासिक जाने और उन्हें अनुमति मिलने को लेकर जाँच के आदेश देंगे। बता दें कि अक्षय कुमार जुलाई की शुरुआत में हेलीकॉप्टर से नासिक गए थे। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वो इसी दौरान त्र्यंबकेश्वर भी गए थे। इस दौरान उन्होंने वहां कई अधिकारियों समेत कई लोगों से मुलाकात भी की। अक्षय कुमार की दौरान की तस्वीरें आने के बाद लोगों ने एक्टर पर लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप भी लगाया है। इसके बाद मंत्री भुजबल ने कहा, मैंने आज समाचार पत्रों में उनकी यात्रा के बारे में पढ़ा, मुझे नहीं पता कि वह कब आए और कब रवाना हुए, मैं पता करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा, मैं चेक करवाऊंगा कि वह कहां ठहरे, मुझे शिकायतें मिल रही है कि वो महामारी के दौरान रिसोर्ट में कैसे रुक सकते हैं, हम पुलिस से इस मामले की जांच करने के लिए कहेंगे, मुझे नहीं पता कि उन्हें अनुमति किसने दी, क्यों दी, अगर कुछ गलत हुआ तो अधिकारियों से पूछा जाएगा। मामला बढ़ने के बाद एक्टर की ओर से इस मामले में स्पष्टीकरण सामने आया। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट्स के अनुसार अक्षय कुमार ने पूरे मामले पर अपने रिएक्शन दिए। अक्षय कुमार की ओर से जारी स्टेटमेंट में कहा गया है कि उनके पास आवश्यक अनुमति थी और उन्हें डॉक्टर अशरफ से मिलने जाना था। उन्हें नासिक कमिश्नर ऑफ पुलिस की ओर से प्रमाण पत्र दिया गया था। मामले में जांच की बात आने पर अक्षय कुमार के पक्ष का इंतजार किया जा रहा था। अब देखना है कि इस मामले में आगे जांच होती है या नहीं।